कथा है वो सुनने का अब हमको इच्छा रखते हैं, विचार है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। सो प्रभु जी, यू कैन टेक इट ओवर नाउ। हरे कृष्णा। वी विल म्यूट एवरीबॉडी। ओके, थैंक यू। सभी वैष्णव चरणों में सादर वंदन। जय जय श्री राधे श्याम। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्तिका। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी। हरे कृष्ण धर्म प्रणाम। आप म्यूट पर हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धर्म प्रणाम। आप म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी आप म्यूट पे हैं। कमल कृष्णा प्रभु म्यूट पे हैं। हरे कृष्णा ओके प्रभु जी, नाउ वी कैन हियर यू। ओके नाउ वी स्टार्ट। ओके हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवत प्रेम सत्र में आप सभी वैष्णवों का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है और अपने भक्तों के साथ अलग अलग रस में दिव्य लीलाएं करते रहते हैं और इसी लीलाओं का श्रवण कीर्तन करके हम भगवत प्रेम प्राप्त करके भगवत धाम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। तो आप सभी वैष्णवों की भागवत कथा में जो प्रीति है प्यास है उसको मैं प्रणाम करता हूं
और आप सभी वैष्णवों से यही याचना है कि दास पर भी अनुग्रह करें कि कथा में प्रीति रुचि बढ़ती रहे हमारी। तो पितामह भीष्म के पावन भाव को श्री सूत जी महाराज निमिषारण्य के ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं और हम कई दिनों से अलग अलग भक्तों से इसका आस्वादन कर रहे हैं। तो देखो एक बात है, भगवान श्री कृष्ण में अनंत गुण है, वो गुणों के समुद्र है, निधि है। और भागवतम में या रामायण अन्य ग्रंथों में भी भगवान के स्थान स्थान पर अलग अलग गुणों का वर्णन है। जैसे पितामह भी भगवान के गुणों का गान करने जा रहे हैं, जिसको हम स्तुति कहते हैं। तो जैसे भागवतम में आगे इसी प्रथम स्कंद में पृथ्वी देवी भगवान के 39 गुणों का वर्णन करती है। ये तो 39 केवल क्रम संख्या है, ऐसे भगवान में तो असंख्य अनंत गुण है। गुणाम अनंतम अनंतमाहु, अनंत गुणों के कारण ही भगवान को अनंत कहते हैं। लेकिन आज हम एक विचार आप भक्तों को शेयर करना चाहेंगे कि भगवान में अनंत गुण है, वैकुंठ में या वृंदावन में, नित्य धाम में। जब भगवान जैसे नित्य धाम वृंदावन या द्वारिका में कृष्ण पूर्णतम प्रकाश करते हैं वृंदावन में, और वही भगवान कृष्ण का विलास मूर्ति विष्णु स्वरूप में वैकुंठ में भगवान ऐश्वर्य से लीलाएं करते रहते हैं। तो वैकुंठ में विष्णु ऐश्वर्य स्वरूप में हो या वृंदावन में श्री कृष्ण मूल स्वरूप माधुर्य में हो, नित्य धाम में भगवान के ये स्वरूप लीलाओं में भगवान में अनंत गुण है, ओके। लेकिन वैष्णव लोग कहते हैं कि भगवान में एक दोष भी है। ध्यान दीजिए, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि भगवान में दोष। प्रेमी भक्त है ना, भगवान में आरोप करते हैं भक्ति के फल बल स्वरूप या फल स्वरूप। देखो भगवान में अनंत गुण है कि भाई वो ऐश्वर्य से परिपूर्ण है, सत्य काम है, पूर्ण काम है, आत्मानंद है, या फिर चातुर्य गंभीर्य शौर्य पराक्रम, अनंत गुण है ईश्वर में, ओके। लेकिन कमी क्या है, दोष क्या है भगवान में? भगवान का दोष नहीं है, लेकिन भक्त लोग अपना भाव भक्ति के प्रेम में गाते हैं, कहते हैं, आरोप करते हैं कि अनंत गुण भगवान में होते हुए भी एक कमी है। क्या है? कि वो दुर्लभ है, सुलभ नहीं होते हम संसारी बद्ध जीवों को। तो ये सारे गुण रहते हुए भी किस काम के? ओके, वैकुंठ अधिपति विष्णु में अनंत गुण है और मूल स्वरूप कृष्णस्तु भगवान स्वयं में भी अनंत गुण है अपने धाम में जब भगवान लीला करते हैं। लेकिन इस संसार में जो बद्ध जीव है, हम जैसे संसारी जीव, उनको तो भगवान कृष्ण सुलभ नहीं है। हम उसे देखना चाहते हैं, हम उसे मिलना चाहते हैं, लेकिन ना तो देख पाते हैं ना मिल पाते। तो फिर वो सारे गुण रहते हुए भी एक दुर्गुण कि वो दुर्लभ है, उसके कारण सारे गुण हमारे किस काम? यूजलेस, कुछ भी काम के नहीं भक्त के लिए। ध्यान दीजिए क्या के विचार क्या दिया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कोहिनूर हीरा है, बहुत कीमती है, लेकिन अभी जिसको देखने ही नहीं मिलता, छूने नहीं मिलता, उसकी संपत्ति नहीं है, उसे हमें क्या लाभ? भले कोहिनूर बहुत कीमती है लेकिन प्राप्त ही ना हो, क्या मतलब है उसका? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति बहुत धनवान है और बहुत दानी भी है, दातार है, लेकिन उसके द्वार पर कोई भिखारी जाए ही नहीं, तो उसकी धनवत्ता या उसकी दान की गुणवत्ता का अर्थ क्या है? यूजलेस। एक प्रेमी ने कहा है कि नदी तुम्हारा मोल कितना, हमारे अधर की प्यास हो। मतलब मान लीजिए हमें प्यास ही न हो तो पानी क्या, बिस्तरी बहे तो भी हमें क्या मतलब? पानी का मूल्य इतना ही कि हमारे अधर में प्यास होनी चाहिए ना, तब तुम्हारी वैल्यू है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान में अनंत गुण है, लेकिन वो सुलभ न हो, हमें भगवान प्राप्त न हो, मिले नहीं, दिखे नहीं, तो हमारे किस काम। तो भगवान में अनंत गुण वैकुंठ में रहते हुए भी स्पेयर में पड़े रहते हैं, भगवान के भी कुछ काम के नहीं वैकुंठ में ये गुण। आप कहोगे कैसे प्रभु जी? देखिए, वैकुंठ में नित्य मुक्त जीव है एक तो, दूसरे यहां से जो साधना करके सिद्ध हुए हैं, तो कृपा साध्य कहिए या साधन सिद्ध, जो शुद्ध हो गए, मुक्त हो गए, वो वैकुंठ में गए, राइट। एक तो नित्य मुक्त वैकुंठ में सारे जीव है, और दूसरे यहां से जप तप करके शुद्ध होके कृपा प्राप्त करके गए, वो भी मुक्त ही हो गए। तो वैकुंठ में कोई दुखी नहीं है, राइट। वैकुंठ में कोई दरिद्र नहीं है, अर्थात वैकुंठ में कोई भी जीव भगवान का दया पात्र नहीं है। जैसे भगवान में एक गुण है कि वो दयालु है, ओके, वो कृपालु है, लेकिन वह गुण भगवान का वैकुंठ में धरा का धरा, पड़ा का पड़ा रह जाता है, कुछ काम का नहीं, क्योंकि वैकुंठ में कोई दया का पात्र ही नहीं, कोई दुखी नहीं, कोई दरिद्र नहीं। दुखी, दया के पात्र, दरिद्र हम लोग हैं इस संसार में, लेकिन हमें भगवान सुलभ नहीं, हमें प्राप्त नहीं हो रहा। ध्यान दीजिए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये सारे सद्गुण भगवान में नित्य धाम में होते हुए भी पड़े रहते हैं, क्योंकि उसका कोई पात्र नहीं है वहां, और पात्र सब यहाँ भरे पड़े हैं संसार में, हम लोग बद्ध जी, जो दुखी है, जो तप्त त्रिताप से ग्रस्त है, और दरिद्र भी है, जन्म मृत्यु के चक्र में है, हम लोग हैं, और हमें भगवान दुर्लभ है। अब क्या समस्या का समाधान क्या है? भक्तों, दास यह निवेदन करना चाहता है कि भगवान में सब गुण होते भी पड़े रहते हैं वैकुंठ में, क्योंकि भगवान में भक्त लोग कहते हैं दुर्गुण है कि वो दुर्लभ है, मिलते नहीं। लेकिन जब भगवान पृथ्वी पर अवतार लेते हैं, संभवामी युगे युगे, कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, तब सबको सुलभ होते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर उतरते हैं तो पृथ्वी के जीवों को, मनुष्यों की क्या कहे, पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको भगवान राम या कृष्ण जब अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं, तो भगवान का जो वो कमी था ना, जो दुर्गुण दुर्लभत्व, वो नष्ट हो जाता है। और भगवान कलयुग के या फिर जो भी सतयुग के राम अवतार या कलयुग का चैतन्य अवतार, जो युग में जो भगवान ने अवतार लिया, फिर वो लीला अवतार हो, चाहे वो शक्त्यावेश अवतार हो, जो भी हो, व्याख्या बहुत अनंत लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग सब सुने हो इन बातों को, तो सार वस्तु को समझिए कि भगवान सुलभ होते हैं। तो भगवान के अवतार काल में भगवान में सारे सद्गुण, जो एक कमी थी दुर्लभत्व, वो भी गई, अब सुलभ हो गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राम जी जब वनवास में गए तो आदिवासी भील जाति सबको सुलभ हो गए, चित्रकूट के पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको धन्य किया भगवान ने, यहां तक बंदरों को साक्ष्य दिया। बताओ, हनुमान जी अपनी स्तुति में इस बात को कहते हैं, लक्ष्मण आग्रज के लिए क्या हम कहे, न आकृति न संतोष, न हमारी कोई आकृति है, न हमको हमारे में कोई बुद्धि है, लेकिन फिर भी भगवान ने हमको सखा बनाया। ये राम का दयालु करुणात्व है, अपनत्व है, भक्तवत्सल्य गुण है। और वर्णन देखा है, सुना है आपने रामायण में, रामायण में वाल्मीकि जी में लिखा है कि जब राम जी पेड़ के नीचे बैठते थे तो वो जो बंदर होते थे ना, वो अपनी पूछ लटकाए वृक्ष की शाखा डाली पर बैठते, तो राम जी के मुंह पर बंदर की पूछ आड़ी आती थी। बताओ, मानस में भी लिखा है, प्रभु तरुतर कभी तरुपर, राम जी बैठे रहते थे सुग्रीवादी के साथ मीटिंग करते थे, तो अन्य बंदर जो पेड़ पर बैठे रहते थे, बंदर तो बंदर है, उसका स्वभाव है, तो स्वभाव से क्या करे, मजबूर है, तो कुछ बंदर राम जी के मुख के आगे जिसकी आरती शिव ब्रह्मा उतारते हैं, बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जिनका ध्यान धरते हैं, वे भगवान के विषय में स्वभाव देखे यहाँ कि बंदर आड़ी पूछ उस पर लटकाए। कभी कभी राम जी को पूछ ऐसी करके बात करना पड़ता है, सुग्रीव तुमसे कह रहा हूं, और फिर छोड़ दे तो फिर पूछ आ जाती। लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आता था कि अभी तलवार से काट दे इनको, क्योंकि लक्ष्मण हमारे भाई रघुनंदन दशरथ नंदन, अब क्या कहे, रघुकुल शिरोमणि है, और ये बंदर है कि उसकी पूछ आड़े डाल रहे हैं।
और लक्ष्मण जी बड़ा गुस्सा करते थे कभी कभी कि सारे बंदरों को मैं काट देता हूँ, अभी सबकी पूछ काट दूंगा। लेकिन राम जी ने, वाल्मीकि रामायण में श्लोक है, शोको अयम परंपरायाम, हे लक्ष्मण तुम क्या कर रहे हो। राम जी देखो क्या कहते, राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण जब से हमारा इस पृथ्वी पर प्रारंभ लीला हुआ है ना, तब से शोक की जड़ी, सिकॉन्स मतलब साइकिल, परंपरा लग गई है। क्या हुआ, पहले तो हमें पितृ वियोग हो गया, कौशल्या से दशरथ से दूर जाना पड़ा और हमें वनवास प्राप्त हुआ, और वनवास में आते ही पिताजी का मरण हो गया, तो देखो दुख की। और जैसे ही वन में कुछ दिन शांति से रहे न रहे, तब तक सीता जी का हरण हो गया। तो ये दुख की शोक की परंपरा है, और जो भी हमसे प्रेम करता है, हमें ममता करता है, उसका हमारे से वियोग हो जाता है। दशरथ ने प्रेम किया, हमारा वियोग हो गया। सीता ने हमसे प्रेम किया, हमसे विच्छेद हो गया, अलग हो गई। जो भी हमसे प्रेम करता है अलग हो जाता है, हमसे जो ममता करता है हमसे दूर हो जाता है, और हम दुख शोक में है। बेचारे एक बंदर बचे हैं जो हम पर ममता लुटा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा क्या ममता लुटा रहे, बोले रामायण में लिखा है ना कपि के ममता पूछ पर, वो जो हनुमान जी जब लेने गए थे और सीता की शुद्धि, तो वर्णन है ना, रावण ने चिल्ला कर कहा कि इसको मार दो, तो नीति विरुद्ध न मार ये दूत, जो सलाह दी विभीषण ने कि नीति विरुद्ध दूत को मार नहीं सकते, तो फिर क्या दंड दे, बोले कपि के ममता पूछ पर, पूछ पर बड़ा ममत्व होता है इन बंदरों को, बोले इसको जला दो, फिर आग लगाई, आप लीला जानते हो। तो राम जी देखो कितना सही ले रहे हैं, उल्टी बात भी प्रभु करुणामयी है ना, सीधी लेते कि लक्ष्मण ये जो बंदर है ना, उसकी ममता, उसका प्रेम पूछ पर है, और ये पूछ हमारे ऊपर डाल रहे, मतलब अपनी ममता प्रेम लुटा रहे, और तुमको ये भी सहन नहीं होता, रहने दो इनको, कुछ मत बोलो। अब ये है राम भक्तों में, आज इस कथा का शुभारंभ करने से पहले एक विचार दे रहा हूं आप भक्तों को कि देखिए भगवान राम बन या फिर कृष्ण अवतार में, गैया चराने जाते थे तो प्रत्येक वृक्ष डाली पत्ते को स्पर्श करके उसका पुष्प चयन करना, फल लेना, और वृक्षों को आलिंगन करना, वृक्षों की छाया में खेलना। भगवान कृष्ण अवतार में भी पशु पक्षी गाय पेड़ पौधे सबको सुलभ हो गए। पुलिंद की नारिया भिलनिया, वृंदावन में भी ये वर्णन है, पूर्ण पुलिंद उरगाय, आप सुनिए वेणुगोपी गीत के शब्द, युगल गीत के शब्दों को, तो ये सब वर्णन आया है। तो दास ये निवेदन करना चाहता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण स्वरूप में स्वयं भगवान प्रकट हो या रामादि अवतार लेकर प्रकट हो, तब भगवान में एक सबसे बड़ा सद्गुण प्रकट होता है हम जीवों के लिए, संसारी जीवों के लिए, कि देव दुर्लभ, दुर्लभाति दुर्लभ भगवान हमें सुलभ हो जाते हैं, और इसी सुलभता का सौभाग्य हम संसारी जीवों को प्राप्त होता है। उस समय जो भक्त थे भगवान को देखे, लीला में दर्शन किए, जैसे हस्तिनापुर की कई लोगों ने, राजसूय सभा में कृष्ण जाते थे तो हजारों लोगों ने दर्शन किया हस्तिनापुर में, पूरा हस्तिनापुर भगवान के स्वागत के लिए, दर्शन के लिए उमड़ गया था, तो सबको लाभ मिलता था। और बचे कुचे हम लोग जो अभी है, जिसने भगवान को फिर भी न देखा न मिला इस स्वरूप में, जो अभी हमें स्मरण नहीं, लेकिन इसी लीला का श्रवण कीर्तन तो करने का अवसर मिल रहा है प्रभुपाद की वैष्णव की कृपा से, और जो आज ये लीला सुनेगा वो निश्चित कल नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो बाद के जन्म में लीला में जाएगा। आज का श्रवण किया हुआ व्यक्ति प्रेम भक्ति भाव बढ़ेगा, साधना सिद्ध होगी, तो निश्चित वो एक ना एक दिन लीला में प्रवेश प्राप्त करेगा। ये सरल साधना है। तो आज पितामह भीष्म के सामने भगवान कृष्ण खड़े हैं कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की पावन भूमि में, और पितामह भीष्म यह भाव स्वीकार करते हैं, यन्मे असु त्यजन साक्षात कृष्ण दर्शन आगत, देखे इनका सौलभत्व, देखे इनका भक्त वात्सल्य, मैं जा नहीं पाया तो वो आ गए हमको मिलने, हमें देखने के लिए। सच्चा भक्त इच्छा करता है ना, भगवान सब जानते हैं और पूरी भी करते हैं, लेकिन पितामह भीष्म का इतना सुंदर भाव दैन्य था, वो मानो ये कह रहे थे युधिष्ठिर मैं तुम्हारे कुल का हूं ना, और तुम्हारे संबंध से भगवान हम पर अनुग्रह किए कि हमें दर्शन देने आए। तो भक्तों जिन चरणों से गंगा निकली है, उस गंगा का ये बेटा हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम और भाव की गंगा को समाये हुए है, और उसी गंगा जी में मानो बाढ़ आ गई हो भीष्म के हृदय में, और वही कृष्ण भक्ति प्रेम भाव शब्द का रूप लेकर
गंगा पुत्र के मुख से ये स्तुति के शब्दों के रूप में प्रवाहित हो रहा है, जिसका श्रवण कीर्तन करके हम भी कृष्ण स्वरूप, कृष्ण प्रेम, कृष्ण स्वभाव या कृष्ण से हमारा जो बिछड़ हुआ संबंध है उसको हम ताजा कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। इसीलिए स्नेह प्रधान ये स्तुति है, कोई स्वार्थ नहीं भीष्म देव का स्तुति में। प्राय देवता लोग भी स्तुति करते हैं, कल हमने कहा, लेकिन उसमें स्वार्थ होता है। अमृत दिला दो या फिर असुरों से मुक्ति दिला दो, स्वर्ग में सुख दे दो, ये सब स्वार्थ रहता है स्तुतियों में। लेकिन पितामह भीष्म की स्तुति में स्वार्थ का गंध भी नहीं है, पूर्ण स्नेह है। वो सारी इंद्रिय वृत्तियों को सब में से निकालकर व्यवसायिक निका बुद्धि एके रे पुरु नंदन कृष्ण में फिक्स कर दिए है। और गंगा पुत्र प्रेम भरी गदगद वाणी से हृदय के भाव प्रेम समुद्र को शब्दों का स्वरूप दे के कृष्ण को देखते देखते व्यास, धौम्य, नारद, परशुराम, यहाँ तक सुखदेव जैसे महात्माओं के मध्य में भीष्मदेव अपना भाव कह रहे। इसी स्तुति को सूत जी ने, श्री व्यास जी ने एज इट इज भागवत में रखा है, जिसका हम शिल प्रभुपाद और वैष्णव गुरु परंपरा से लाभ ले रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इतिमति रूपकल्पिता वितृष्णा। इति, आप सभी ने ये शब्द सुना है प्राय, इति समाप्ति वाच्य का। किसी भी विद्वान वैष्णव की रचना की समाप्ति इति शब्द से होती है। हमारे शास्त्रों में अथ और इति ये शब्द बड़े प्रचलित है, और अथ शुभारंभ के लिए होता है, मांगल्य का सूचक है, और इति समाप्ति वाचक सूचक है। तो एक बहुत सुंदर प्रश्न शुरुआत में ही होता है कि पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्तुति प्रार्थना शुभारंभ कर रहे हैं और समाप्ति शब्द क्यों बोल रहे हैं। आपने सुना ना कि भाई शुरुआत में अथ लगाते हैं, तो अथ से स्तुति चालू होनी चाहिए, उसके बदले हेतु ये प्रत्यय इति प्रत्यय क्यों लगा रहे हैं। तो ये इति शब्द, इति प्रत्यय है संस्कृत में, तो ये इति बोलने के पीछे उद्देश्य क्या है, गंगा पुत्र का हेतु क्या है। तो विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बड़ा सुंदर भाव देते हैं, इति समाप्ति वाचक, अर्थात इति शब्द बोल के पितामह भीष्म ये समाप्ति सूचक शब्द प्रयोग कर रहे हैं। इसके पीछे प्रयोजन हेतु यह है कि मेरा जीवन की आयु समाप्त हो रही है। समाप्ति वाचक मतलब भीष्मदेव का बाह्य रूप में आयु समाप्त हो रहा है, मतलब वो निश्चित कर लिए कि अभी मैं, मुझे ये शरीर को त्यागना है। इच्छा मृत्यु का जो वरदान था पिताजी के द्वारा प्राप्त, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि भीष्म उसको सार्थक करना चाहते थे, सफल करना चाहते थे, और ये सुनहरा अवसर मौका अभी उपस्थित है कि उत्तरायण, कृष्ण का नाम है, उत्तरा के गर्भ में वो निवास किए, उसके सामने है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि इति मतलब मेरी आयु की अंतिम अवस्था में, और इति शब्द का एक और भाव कि एक तो आयु समाप्ति हो रहा है इसलिए इति लगा रहे समाप्ति शब्द, दूसरा कि अब तक मेरा मन, मेरा बुद्धि ममत्व में, अहत्व में जो स्थित था वहां से हटाकर अब जब तक सांस बची है और जब तक जीवूंगा मैं, मेरा मन, बुद्धि, आत्मा सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये भाव है। जैसे आज जयदेव गोस्वामी का तिरोभाव तिथि है, आप वैष्णव जानते होंगे, और मैं उस पावन वैष्णव श्रृंगार रस के सम्राट कवि को याद करना चाहूंगा, जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त को, जिसकी कविता को चैतन्य महाप्रभु भी सुनते थे। चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि विद्यापति चंडीदास, विद्यापति की चंडी रायर नाटक गीति, विद्यापति चंडीदास रायर नाटक गीति, कर्णामृत श्री गीत गोविंद, स्वरूप राय नंद सने, सुने प्रभु रात्रि दिने, गाय सुने परम आनंद। चैतन्य महाप्रभु गंभीरा में, राधा भाव में रात रात भर गीत गोविंद के दिव्य शब्दों का आस्वादन करते थे, जिसमें श्रृंगार रस की, निकुंज की, राधा कृष्ण की उज्जवल लीलाओं का वर्णन किया गया है।
रति सुख सारे गतम अभिसारे मदरम मनोहर वेशम न कुरु नितंबिनी गमन विलंबने अवसर तम हृदयेशम धीर समीरे यमुना तीरे वसति वने वन माली गोपी पीन पयोधर मर्दन चंचल कर युगशाली। गीत गोविंद के ये कुछ शब्द है जिसको चैतन्य महाप्रभु आस्वादन करते थे भक्तों। तो दास क्या कहना चाहता है, इति शब्द आया है ना, तो हमारे वैष्णव गीत में गीत गोविंद के शुरुआत के दो पद, एक दशावतार स्तोत्र और दूसरा उज्जवल गीत, मंगल उज्जवल गीत, श्रित कमला कुछ मंडल, ये दो आपने सुना होगा वैष्णव गीत में। ये गीत गोविंद के मंगलाचरण है जो स्तोत्र के रूप में, दशावतार स्तोत्र के रूप में और ये उज्जवल गीत के रूप में है। और उसमें जयदेव जी लास्ट में कहते हैं, तव चरणी प्रणतावयम् इति भावये कुरु कुशलम् प्रणतेषु जय जय देव हरे। तो इति मतलब यहाँ भी भीष्म इति बोल रहे हैं, तो मैं आज जयदेव जी का तिरोभाव होने के कारण उसका स्मरण करा रहा हूं। और वे यही भाव को कहते हैं भगवान के चरणों में कि तव चरणे प्रणता वयम, मैं आपके चरणों में प्रणिपात होते हुए इति भाव है। क्या भाव है, मेरा सब कुछ मैं आपको समर्पित करता हूँ, कुरु कुशलम प्रणतेशु, और आपका स्वभाव है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम, आप प्रणत जो आपके चरणों में नतमस्तक हो जाए उनके सारे पाप ताप दुख हर लेते हो और उसका परम कुशल मंगल करते हो। तो जयदेव जी इस भाव को कह रहे हैं और यहाँ पर पितामह भीष्म का भी यही भाव है कि मेरी आयु की समाप्ति पर मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में इति पूर्णतः समाप्त करता हूँ, अर्थात अब तक मेरा मन बुद्धि जहां जहां भी लगा है और मैंने जो भी ममत्व अहत्व किया है, लेकिन अब अंतिम सांस तक मेरी बुद्धि मेरी मति मैं हे केशव आपके चरणों में समर्पित करता हूं। तो इति मति उपकल्पिता वित्रिष्णा, ये जो प्रथम लाइन है उसका अन्वय ऐसे है, ध्यान से सुनिए आप भक्त लोग, बहुत बार इस प्रवचन को बोले होंगे, पढ़े होंगे, सुने होंगे, दास कोई नई बात नहीं बता रहा है, लेकिन भागवत के शब्दों के अर्थ का आचार्यों के अनुसार गुरुजनों से परंपरा से सुना है उसका हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं। ये हमारी साधना है, ये हमारा साध्य है, ये हमारी भक्ति है और इससे निश्चित भगवान गुरु वैष्णव प्रसन्न होते हैं, कृपा मिलती है। तो मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ जो बस यथाधीत यथा मति, जितना भागवत तो अनंत रस है, रस का दरिया है ये तो, लेकिन जितना समय और शक्ति है उस अनुसार गाया जाता है भगवान के गुणों को। लेकिन मैं कोई अपनी बात नहीं बता रहा, आचार्यों ने जो टीका में लिखा है और हमारे गुरुदेव भगवान परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज से जो कुछ सुना है उसी की बस आवृत्ति की जा रही है और अपना सौभाग्य वर्धन किया जा रहा है आशीर्वाद प्राप्ति हेतु। तो कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन इसका ये शब्द इतने प्रेम भक्ति से भरे है कि इनका श्रवण कीर्तन उच्चारण आवृत्ति अर्थ आस्वादन सब कुछ हमें भक्ति धन को प्रदान करता है, ये हमारा लाभ है। तो मति, मति मतलब बुद्धि, अभी मति शब्द की हमने बहुत व्याख्या की है समय अनुसार, लेकिन अभी मैं यहाँ नहीं करूंगा, ये मति शब्द और भी आने वाला है तो करते रहेंगे। रामायण का आश्रय लेना पड़ता है, रामायण में चार प्रकार की मति का वर्णन है, नीच मति, लघु मति, मंद मति, आपने सुन तुलसीदास मंद मति रहे न नीच मते चतुराई। तो नीच मति किसे कहते हैं, लघु मति, मति यहाँ तो मति शब्द है लेकिन मति का विशेषण है कि नीच मति होती है, लघु मति होती है, मंद मति होती है। तो चार प्रकार की मतियों का हमने विस्तार से कभी सुनाया है अन्य जगहों पर, यहाँ पर भी आगे सुनाएंगे, लेकिन अभी हमें कुछ और कोई और शब्द पर हमें ध्यान देना है। तो यहाँ पर पितामह भीष्म क्या कह रहे हैं, मति का विशेषण है वित्रृष्णा, जिस मति में कोई तृष्णा न हो, कोई कामना न हो, जैसे वीर राघव विजय ध्वज आदि अर्थ करते हैं कि तृष्णा लोभ रहिता मति, निष्कामा मति,
तो पितामह कह रहे कि मेरी आयु समाप्ति के समय इस वक्त इस समय मैं अपनी निष्काम मति, विस्तृष्णा मतलब कामना शून्य मति, स्वार्थ शून्य मति, लोभ राग द्वेष शून्य रहिता इति वितृष्णा मति उपकल्पिता। उपकल्पिता मतलब समर्पिता। मैं मेरी निष्काम मति अभी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। ये पहली लाइन का अर्थ हुआ इति मति उपकल्पिता वितृष्णा, मतलब इस समय इस प्रकार, इति शब्द का अर्थ मैं अपनी निष्काम मति वितृष्णा मति उपकल्पिता, उपकल्पिता मतलब समर्पण करना, प्रदान करना, अपना सब कुछ गिव अप कर रहा हूं आपको, समझ गया, मैं समर्पित करता हूं। अच्छा किसको समर्पित करते हैं प्रभु जी? तो सामने कृष्ण खड़े हैं भीष्म देव के, सभी ऋषि लोग सुन रहे हैं। भगवती, भगवती शब्द किमर्थम? षडैश्वर्य पूर्ण। आप सभी जानते हो कि कृष्ण को भगवान क्यों कहते हैं। प्रभुपाद जी ये बहुत बार डेफिनेशन दिए हैं, छह प्रकार का ऐश्वर्य जिसमें हो, ऐश्वर्य से समग्र से वीर्य से यशस्य ज्ञान वैराग्य चेवषणा भगैतिंगना। तो भगवान शब्द के और भी अर्थ महाभारत में और विष्णु पुराण में दिए गए हैं कि वेत्तिं विद्याम विद्याम च उत्पत्ति विनाश कारणम, जो सबकी उत्पत्ति विनाश का कारण है विद्या, विद्या का ज्ञाता है और सब जगह जिसका वास वाच्य भगवान ही थी, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। तो इस तरह तात्विक सात्विक चर्चा विष्णु पुराणों में महाभारत में इस तरह की भगवान शब्द की दी गई है। ओके आप सभी सुन चुके हो, हम इसका विस्तार नहीं करना चाहते, लेकिन भगवती तो इन शॉर्ट छह ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जो सामने खड़े। तो भगवती मति वितृष्णा मति उपकल्पिता, मैं भगवान में अपनी निष्काम मति समर्पित करता हूं। कथम भूतम भगवती, भगवान शब्द पर तो आप ध्यान दीजिए कि अगर भगवान में मति समर्पित कर रहे हैं पितामह भीष्म, तो भगवान शब्द न नारायणम प्रसिद्धम। सब जानते कि भगवान शब्द तो भगवान विष्णु नारायण के लिए प्रसिद्ध है। तो क्या भगवान नारायण विष्णु में अपनी मति समर्पित करना चाहते हैं भीष्मदेव? तो भीष्मदेव कहते हैं कि कथम भूतम भगवती, कौन से भगवान? तो कहते सात्वत पुंगवे, जिन्होंने सात्वत कुल में जन्म लिया है। पुंगव शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, सुपीरियर, उत्तम। हिंदी में इसका बहुत सुंदर अर्थ है पुंगवे का, उत्तम पुरुष, श्रेष्ठ पुरुष। और सात्वत, सात्वत क्या है कि वृष, आप सभी जानते हो कि यादव कुल में एक राजा हो गए सात्वत नाम के, और उस कुल में उस राजवंश में कृष्ण यादव ने जन्म लिया है सुरसेन वसुदेव के यहाँ, इसलिए कृष्ण को सात्वत कुल का उत्तम श्रेष्ठ पुरुष कहा जाता है। इसलिए भगवान शब्द से नारायण अर्थ नहीं है, विष्णु अर्थ नहीं है। इसलिए पितामह भीष्म भगवती बोलने के बाद तुरंत कहते हैं सात्वत पुंगवे, मतलब यादव कुल में जो सात्वत नाम के राजा हुए उसी कुल परंपरा में ये कृष्ण वासुदेव यादव उत्तम सर्वश्रेष्ठ पुरुष है, इसलिए सात्वत पुंगवे। अब सबको याद नहीं, याद करा रहा हूं, सात्वताम कुले, गोपी गीत का है ना चौथा श्लोक, नखल गोपिका नंदनो भवान अखिल देहिना अंतरात्म द्री विखन सार्थितो विश्वगुप्ते सख उदेवा सात्वताम कुले। गोपिया भी कहते ना सात्वत कुल में विश्वगुप्त ये ब्रह्मा जी के वेदों की रक्षा के लिए आप प्रकट हुए हो। न खलु गोपिका नंदनो भवान, तो ओके गोपियों के पावन शब्दों का हम स्मरण कर रहे हैं, तो वहां पर भी सात्वत कुलों में सात्वत कुल के आभूषण विभूषण भाव है, तो यहाँ पर भी सात्वत पुंगवे अर्थात श्री कृष्ण की बात हो रही है। वैकुंठ स्थित नारायण की नहीं भगवती,
भगवती कथम भूतम भगवती सात्वत पुंगवे, सात्वत कुल में जो जन्म लिए है वे श्री कृष्ण में। वित्रिष्णा मति उपकल्पिता, मेरी निष्काम मति में समर्पित करता हूं, एक भाव तो ये हुआ भक्त जनों। अब देखो श्रीपाद श्रीधर स्वामी अपनी कलम चलाते हैं इस पर कि परम फल रूपा श्री कृष्ण इति, परम फल श्री कृष्ण है और उस कृष्ण में इति शब्द देकर प्रार्थयितु प्रथमं स्वकृतं समर्पयामि, इति शब्द से अपना समर्पण कर रहे हैं परम पुरुष श्री कृष्ण में पितामह भीष्म। लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि ननु नारायण सेव भगवते न महति प्रसिद्धम, ऐसे तो संसार में नारायण के नाम से भगवान प्रसिद्ध है महति महान रूप में, लेकिन सर्वकालिक तत्र अपनी पितामह भीष्म बहुत सावधान है, कृष्ण पूर्ण पुरुष सामने खड़े हैं और सारे तत्वदर्शी व्यास वशिष्ठ नारद आदि संत लोग सुन रहे हैं, इसलिए बहुत सार गर्भित शब्दों को पितामह रख रहे हैं। इसलिए भगवती कह के सात्वत पुंगव कह के कृष्ण का बोधक तो हो गया, तिस पर भी एक विशेषण दे रहे विभूमि। देखो एक शब्द है हमारे संस्कृत में भूमा, भूमा शब्द का अर्थ होता है बड़ा बृहद, और वी उपसर्ग आगे लगाया जाता है विशेष भूमा, मतलब बहुत बड़ा, एक साधारण समझने के लिए। तो यहां पर अर्थ किया जाता है भूमा वैव जिज्ञासित्वया, हमारे उपनिषद कहते हैं कि ये जो मानव जीवन आत्मा को मिला है उसी भूमा को जानने के लिए, उसी बृहद ब्रह्म को जानने के लिए। और रही बात जीव के स्वरूप की, आत्मा के स्वरूप की, उपनिषदों के अनुसार हम आपको लीला परक अर्थ भी बताएंगे, लेकिन अभी तात्विक अर्थ की व्याख्या चल रही है सभ्यता, क्योंकि पहले तत्व की भूमि खरीदनी पड़ेगी, उसके ऊपर हम लीला की रस की बिल्डिंग बनाएंगे ना। तो अभी विभूमा शब्द की चर्चा में क्या है, उपनिषदों की चर्चा करनी पड़ेगी तात्विक सात्विक चर्चा में। यो वे भूमा तत्सुखम ना अल्पम सुखम अस्ति, हमारा ऋग्वेद क्या कहता है, जो भूमा है मतलब जो बड़ा है, जो अनलिमिटेड है, वही सुख दे सकता है, लिमिटेड वस्तु सुख नहीं दे सकती, लिमिटेड वस्तु लिमिटेड सुख दे सकती है। तो यो वे भूमा जो बड़ा है अनलिमिटेड है तत्सुखम, अल्पे सुखम न अस्ति, अल्प में कभी सुख नहीं हो सकता, नोट करिए इस पॉइंट को, अल्प में सुख नहीं हो सकता। इसलिए भूमा त्वय विजिज्ञासी तत्वम, इसलिए इसी भूमा को भी जिज्ञासा करने के लिए मानव जीवन मिला है, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जो भागवत कहता है नार्थ यश्चेह कर्म भी प्रथम स्कंध में आया है भागवतम के प्रथम अध्यायों में, बात को दूसरे अध्याय में, तो इसी को यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। और इस बात को कौन कह रहे, चक्रवर्ती ठाकुर कोट कर रहे हैं कि तदेव भूमत्वकम, इसीलिए पितामह भीष्म कृष्ण में, लेकिन वही कृष्ण विभूमा पुरुष है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको संक्षेप में बताऊंगा, समझ जाएंगे आप लोग कि विष्णु को भूमा पुरुष कहते हैं और कृष्ण विभूमा है, क्योंकि विष्णु के भी मूल कृष्ण है ना, ब्रह्म संहिता आप सभी जानते हैं, विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। अरे भाई अनंत कोटि ब्रह्मा भगवान के एक श्वास में आते हैं जाते हैं, यस्य कनिष्ठसित काल मथ वलंब्य जीवन तिलो मिलजा जगदंड नाथा विष्णु महान स इह यस्य कला विशेषो, ऐसे अनंत विष्णु भगवान कृष्ण की एक कला मात्र है, ऐसे गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। तो विष्णु भीमा भूमा पुरुष है और कृष्ण विभूमा पुरुष है। और इस बात की ये जो तत्व बताया जा रहा है सिद्धांत, उस पर सिद्धांत को दृष्टांत से स्थापित करने के लिए इसी भागवत के दशम स्कंद में जो भूमा पुरुष है ना श्री विष्णु कारण, वो अर्जुन का वो जो लीला है ना, सब वो बच्चे मर जाते थे ब्राह्मण के, और भगवान भूमा पुरुष ने क्या कहा भागवत में वहां पढ़िए कि मैं कृष्ण आपको देखना चाहता था। भूमा पुरुष भी जिसको मिलना देखना चाहता है वो कृष्ण विभूमि, वो विशेष भूमा पुरुष है। तो यहाँ पर पितामह भीष्म मानो सिक्का लगा रहे हैं कि नारायण को भूमा लेकिन कृष्ण विभूमा है,
और वे उनका दर्शन करना चाहते, भूमा पुरुष विष्णु भी कृष्ण का दर्शन करना चाहते, और कृष्ण में ऐश्वर्य माधुर्य सब परिपूर्ण मात्रा में, और इसकी और भी स्टोरिया है, गोपियों का मन विष्णु सामने है फिर भी आकर्षित नहीं हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को भी यही प्रश्न थोपा था ना कि पतिव्रता है न केन चाहे कृष्ण संग, पतिव्रता होते भी लक्ष्मी क्यों कृष्ण का संग चाहती। तो ये सारी लीलाओं का आप भक्त लोग स्मरण कर सकते हो। लेकिन अभी देखिए, इतिमति उपकल्पिता वित्रिष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि, इसका हमने थोड़ा तात्विक अर्थ चक्रवर्ती ठाकुर के शब्दों से आपके सामने रखा। इसी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक और अर्थ करते हैं इस लाइन का। वो कहते हैं, मत प्रभो मदंत काले कृपा परवशतयेव मत समीपमागते, मेरे स्वामी श्री कृष्ण मेरे प्राण जीवन धन, मत प्रभो मदंत काले मेरे जीवन के अंतिम समय में, कृपा परवशतयेव परम कृपालु भक्तवत्सल होने के कारण मत समीप आगते, वे साक्षात मेरे सामने आए हैं, तो किंचित उपायम दातुम उचितम, तो ऐसे भगवान को मुझे कुछ उपायन कुछ गिफ्ट देना चाहिए। देखो भीष्म का भाव चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे टीका सराद दर्शन, क्या कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कृपा करके मेरे अंतकाल में मेरे सामने उपस्थित हुए हैं, तो मुझे भगवान को कुछ गिफ्ट कुछ उपायन कुछ दान देना चाहिए। लेकिन तत्र संप्रति किं दद, मैं क्या दू, मम अहंतास्पदम ममतास्पदम मध्य समीचीन किम, मेरे पास तो अहंता ममता से भरा सब कुछ मेरा, मैं क्या दू, भगवान के लायक है क्या, तो क्या उसको क्या क्या उसको मति सुझा, बोले अन्य हेतु ऐसा न ऐसा मति, जिसमें कोई हेतु न हो कोई स्वार्थ न हो कोई इच्छा न हो, ऐसी जो ये मेरी मति है ना बुद्धि, तत् समर्पितुम कल्पिता, मैं इसी को समर्पित करता हूं। इस चक्रवर्ती ठाकुर के भाव को परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज सरल बात में कहते हैं कि पितामह भीष्म कह रहे हैं कि हे कृष्णा, मैं मेरी कुवारी कन्या को मति रूपी कन्या को आपके चरणों में ब्याह कराना चाहे, उपकल्पनम का एक अर्थ होता है विवाह कराना, समर्पित करना प्रदान कर देना समर्पण कर देना, लेकिन उपकल्पनम का एक अर्थ होता है विवाह। तो मानो पितामह भीष्म एक स्टोरिकल भाषा में साहित्यिक रूप में रस में कह रहे हैं कि मुझे आपको कुछ देना चाहिए, तो मेरे पास एक वस्तु है वो है मति वित्रृष्णा मति, जो मति मैंने आज तक किसी को नहीं दिया, मतलब उस मति को कन्या स्वरूप समझते हुए कि ये मेरी कन्या है और जो मैंने आज तक किसी को नहीं दिया है किसी में नहीं लगाया है मेरी बुद्धि को, सर्वे सर्वा सर्व स्वरूप मैंने आपको ही माना है और आज कृपा करके आप मेरे सामने आए हो, तो मैं मरने से पहले मेरी मति रूपी कन्या का ब्याह विवाह आपसे करना चाहता, मतलब मेरी कन्या को मैं आपको समर्पित करना चाहता हूँ। मानो वहां पर सभी खड़े हुए सब संत पूछे, दादा तुम तो ब्रह्मचारी हो तुम्हारी कन्या कहाँ से आ गई, लेकिन पितामह भीष्म कह रहे कि कन्या मतलब कोई स्त्री की बात नहीं हो रही, ये शब्दों की साहित्यिक भाषा है, क्योंकि स्त्रीलिंग शब्द है मति, मतिम सतिम यच्छति वासुदेव, श्लोक याद करिए रघुगण को जड़ भरत जी ने कहा था उत्तम श्लोक गुणानुवाद करते करते क्या होगा, अगर निच दिनम अनुदिनम रोज किया जाए तो मतिम सतिम यच्छति वासुदेव। तो ये जो सती मति है, एक होता है असती मति जो सब जगह काम करती, लेकिन सब में न लगा कर केवल परमात्मा में आत्मा में लगाई जाए तो वो मति सती है, तो वासुदेव में जो मति लगी है वो सती मति है, वहां पर वो भाव अलग है पूरा थोड़ा, लेकिन शब्दों स्त्रीलिंग का हो रहा है। तो एक प्रश्न होगा फिर यहाँ पर कि आप काम तो बढ़िया कर रहे हो, गीता का सूत्र है मैये व मनाथस्व मई बुद्धि निवेशय निवशिष्य सी मैये व अत उद्वन संशय, ये जो बातें है, तो पितामह भीष्म अपनी मति को जो मति निष्काम है और कुछ नहीं चाहिए स्वार्थ शून्य और वो कृष्ण को समर्पित कर रहा है, मतलब कृष्ण से जोड़ रहे है। ओके, लेकिन एक प्रश्न मानो साधु समाज करे पितामह भीष्म की बात सुनते हुए कि दादा आप अगर मति को मुझ में समर्पित कर रहे हो, निष्काम मति को कह रहे हो और मुझे ही सर्व सर्वा मानते हो, मुझसे ही प्रेम है, तो फिर आप सामने के पक्ष में क्यों लड़ रहे हो, जीवन तो पितामह का देखा जाए युद्ध अंतिम सांस तक पितामह भीष्म सामने के पक्ष में, तो दादा अगर समर्पण हमसे कर रहे हो मति का,
तो फिर लड़ाई तो आप कौरवों के पक्ष में से कर रहे थे, बाह्य रूप में अगर ये प्रश्न उठाया जा सकता है, आज भी लोग प्रश्न पूछते रहते कि पितामह भीष्म भक्त थे फिर भी वो सामने क्यों लड़े। अब इसके पीछे मूल कारण तो कृष्ण की इच्छा है, ओके, लेकिन फिर भी यहाँ पर आचार्यों ने जो आस्वादन दिया है हम भक्तों को, तो पितामह भीष्म कहते थे इसीलिए तो सामने खड़ा था, अंदर से तो तेरी इच्छा थी कन्हैया, तुम्हारी इच्छा थी, हम तो क्या है समर्पित है, चारे जैसे नचाए तेचे करे नित्य, आप जगन्नाथ हो गए, अपना इच्छा पे चले के चला ही दे पा रहे, जगन्नाथ जी का रथ अपनी इच्छा से चलता है, रुक जाए तो रुक जाए, चलता है चला दे तो चला दे, और पूरे जगत में किसी को भी नचाना है तो सबको आप नचाते हो, और भक्तों पर तो आपका जोर चलता है, हुक्म चलता है, तो भक्त लोग तो आपकी बात मानते, आपकी इच्छा थी कि मैं सामने लड़ू, ये तो अंतरंग कारण है, लेकिन यहाँ बाह्य चर्चा लीला भाव क्या है कि मानव पितामह कह रहे कि मैं आपको देखना चाहता हूं, और कौरवों के पक्ष में रहा तो रोज आपकी सांवली सूरत, अर्जुन का रथ पकड़े हुए वो सुंदर माधव मूर्ति सिंगार दर्शन में करता था, और कहीं मैं पांडवों के पक्ष में रहता तो रोज इन कौरवों का मुख देखना पड़ता, इसलिए दुनिया जो कहे, एक तो मैंने आपका रूप सौंदर्य माधुर्य रस आस्वादन के लिए आपसे प्रेम है, आपको देखना चाहता था इसीलिए मैं सामने पक्ष में रहा, नहीं नहीं कृष्ण मानो फिर आरोप करे कि नहीं ये सब बाहरी बातें दादा, तुम्हारा प्रेम प्रेम कुछ है नहीं, तुम तो उसी पक्ष में हो। तब भीष्म हंसते हुए कहते कि ठाकुर जी कन्हैया आप जानते हो और ये सब साधु लोग भी जानते हैं, चलो मेरा देह कौरवों के पक्ष में था लेकिन दिल तो तुम्हारे पास था ना, दिल तो पांडवों के पास था, अगर दिल से लड़ा होता ना तो पहले दिन महाभारत का एंड हो जाता, तो देह से लड़ रहा था केवल, आंतरिक यंत्र हम लोग तो यंत्र है, रिमोट तो आपके पास है प्रभु जी, तो इस तरह लीला रस का भी आस्वादन किया गया है, लेकिन महाराज जी का ये भाव अच्छा लगा कि मानो भीष्म कह रहे हैं चक्रवर्ती ठाकुर की टीका का सरलता करते हुए कि मेरी कुंवारी कन्या को मैं आपको समर्पित करता हूं। अब देखिए लीला अर्थ, सात्वत पुंगवे मतलब एक तो सात्वत कुल में अभी आप लोगों ने सुना, लेकिन एक आचार्य लिखते हैं कि सात्वता नाम नारद आदि नाम उपास्य, सात्वत मतलब सत्य में जिसकी निष्ठा है, नारद है, अत्रि, व्यास, वशिष्ठ, ये सब सात्वत मतलब भक्त लोग है, और इसके द्वारा उपास्य इष्ट देव ये परत तत्व परात्पर परम ब्रह्म कृष्ण है, तो सात्वत पुंगवे मतलब सात्वत नारद आदि तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा उपास्य, उनके द्वारा माना हुआ पुंगव श्रेष्ठ पुरुष आप हो, सात्वत पुंगवे, और विभूमि फिर से उसी शब्द पर एक आचार्य लिखते विभूमि क्या विभूमा हो, विभूमा मतलब क्या है, तदेव विभूमि विगतो भूमा यस्मात् स विभूमा, भूमा मतलब बड़ा और भी माने नहीं, एक अर्थ ये भी होता है, विगत उतर क्या था विशेष भूमा, पहले हमने क्या अर्थ किया, एक है भूमा और दूसरा है विशेष भूमा, अभी यहाँ भूमा मतलब बड़ा ये अर्थ, लेकिन विगत भूमा मतलब भूमा नहीं है वो, विशेष नहीं विगत लेस, तो क्या अर्थ होगा यहाँ पर, जिसके समान कोई भूमा नहीं है वो है ये विभूमा, ये संस्कृत के शब्दों का अर्थ है कि जिसके समान कोई बड़ा ब्रह्मांड में नहीं है, ऐसे हे विभूमना सात्वत कुल के द्वारा उपासित नारद आदि ऋषियों के द्वारा परम पूज्य षडेश्वरीय पूर्ण श्री भगवान, मई मेरी वितृष्णामति उपकल्पिता, तो चरणारविंद आपके चरणों में मैं अपनी मति को समर्पित करता हूं, ये अर्थ है। अब आगे सुनिए, स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतु, और वे भगवान आप क्या लीला करते हो, स्वसुखम स्वसुखम, देखो एक तात्विक अर्थ पहले इसका यह है कि भगवान स्व में मतलब हिमसेल्फ अपने में ही सुख उपगते प्राप्त करते, उपगते मतलब प्राप्त करना, भगवान को सुख आनंद प्राप्त करने के लिए बाह्य किसी वस्तु की या व्यक्ति की जरूरत नहीं है, जैसे हम लोगों को सुख आनंद चाहिए तो कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए, नहीं तो हम लोग वस्तु व्यक्ति के अभाव में भी दुखी है और मिलने पर भी दुखी है, हमारी तो बात ही बहुत करने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ व्याख्या थोड़ी समझ नहीं पड़ेगी, भगवान को सुख क्योंकि भगवान पूर्णानंद है, आत्मा राम है, उनको कोई भी वस्तु या व्यक्ति की जरूरत नहीं है सुख आनंद के लिए, क्योंकि उसका स्वरूप ही आनंदमय है और वे अपने स्वरूप में है हमेशा,
फॉर एग्जाम्पल जैसे सूर्य देव को प्रकाश उसका स्वरूप है, बाहर से कोई सरकार पेट्रोल कोलसा या इंजन ईंधन नहीं भेजती है कि सूर्य प्रकाशित होता रहे। ये जो प्रकाश का पुंज है सूर्य, राजा समस्त मूर्ति अशेष तेजा ब्रह्म संहिता कहती, जिसमें अशेष तेज है और इसलिए समस्त ग्रहों का ये राजा है सन गॉड सूर्य, तो उसमें जो प्रकाश है वो कहां से आया? उसका भगवान ने दिया ये आदित्य के गतम तेजो, लेकिन बाह्य रूप से आप समझिए कि वो उनका निजी प्रकाश है। बाहर से कोई देवता कोई व्यक्ति कोई मनुष्य की ये व्यवस्था नहीं है कि सूर्य में जलता रहे इसलिए पेट्रोल बेचते रहे या तेल डालते रहे, है ना? तो उसको कहेंगे स्व सुख अपना नहीं। इसी तरह आनंद जो है वो कृष्ण का स्वरूप है, स्व सुख है, और वो उसी में रहते, उसको बाह्य किसी, जैसे हम लोगों को 2-3 घंटा अभी प्रवचन चल रहा है, सुबह आपने 7:30 अमेरिका में बजा होगा और आपने क्लास चालू किया, अभी 1 घंटा होने आया, बराबर। अभी आपको सुख है ना ज्यादा नहीं मिले, जैसे ही 9 बजेगा आपको कुछ रोटी ब्रेड चाहिए तभी आप आनंद में रह पाओ। चाय चाय तो छोड़ दिए होंगे आप लोग स्पॉन वाले हो, लेकिन जो भी हो कॉफी है या दूध है, भक्तानंद चाहिए, भोज भात चाहिए तभी आप आनंद में रह पाओगे, नहीं तो फिर गुस्सा आएगा, क्रोध आता है, भूखा व्यक्ति बहुत क्रोध करता है, आप लोग भी किए होंगे, याद करिए। तो हमें कोई वस्तु चाहिए, कोई व्यक्ति चाहिए सुख आनंद की प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी को ऐसा कुछ, वो स्वसुखम उपगते, अपने में निजानंद में ही मस्त रहते हैं भगवान। हाँ, तो पूर्णानंद है, आत्मानंद है, पूरा विश्व उनसे आनंद प्राप्त करता है। अरे उनसे क्या, महाराज जी कहते उनके नाम में भी आनंद का सिंधु है, आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णा, कोई उनका नाम ले तो भी पूर्ण आनंद को प्राप्त कर लेता है, तो वो साक्षात स्वरूप में कितना आनंद होगा। तो ये जो स्व सुख माने हैप्पीनेस आनंद, यही अर्थ होगा, तो उसी में भगवान मस्त रहते हैं। और ऐसे भगवान क्वचित विहरतु, कभी कभी विहार करने की, विहरतु माने क्रीडतु, लीला करने की, रमत करने की, क्रीडा करने की इच्छा करते हैं, विहार करने की मन में आ जाता है। उपनिषद में लिखा ना एको हम बहुस्याम, मैं अभी एक हूं बहुत हो जाऊं, फिर सृष्टि लीला प्रारंभ करते हैं भगवान। तो यहाँ पर आप भक्तों को विभूमा पुरुष स्वसुख उपगते, इसके लिए उपनिषदों का आश्रय लेना पड़ेगा और उसमें भगवान के तत्व का वर्णन विस्तार से समझ में आएगा। मैं आप भक्तों को एक लेशन के लिए देना चाहता हूँ, आप भगवत गीता का 3rd अध्याय का 22 नंबर श्लोक खोलेंगे ना, उसमें प्रभुपाद जी ने श्वेतासर उपनिषद के 2 श्लोक डाले हैं जो भगवान के विभूमा या स्वसुख उपगते को बहुत फिट होते हैं। जो श्लोक का मैं प्रथम शब्द बोलूंगा आपने सुना भी होगा, तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम तम देवतानाम परमम च देवतम, वो जो श्लोक है ना श्वेतासर उपनिषद का, पढ़िएगा आप लोग, जिसमें भगवान का ईश्वरत्व विभूत्व स्वसुखत्व उसमें सब उस श्लोक की व्याख्या में आपको मिल जाएगा। लेकिन कम से कम जो विद्वान भक्त लोग भागवत सुन रहे हैं तो उसके लिए ये है कि वो श्लोक को कोट कर सकते हैं, जिसमें लिखा है न तस्य कार्य करणम च विद्यते न च समस्यम अधिकम कुतुन्य परास्त शक्ति विविधेय सूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। प्रभुपाद जी ने गीता के इस तात्पर्य में 3:22-21 होगा, अब मेरा अध्ययन कम हो गया है लेकिन यही होगा प्राय, देख लेना। तो उसमें भगवान के इस जो यहाँ पितामह भीष्म शब्द बोल रहे हैं ना, विभूमाया सत स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतु, वो व्याख्या को मैच करती बात आपको वहां प्राप्त होगी। ओके, हम आगे बढ़ना चाहते हैं इसीलिए। तो यहाँ पर क्या वर्णन है, स्वसुखम उपगति। अब देखो लिखते हैं कि भाई अपने निजानंद में स्वरूप शक्ति में भगवान स्थित है स्वसुख में, और क्रीडतु विहार करने के लिए सृष्टि लीला करते है। यद भव प्रवाह प्रकृति मुपेयुषी, प्रकृति में प्रवेश करके वो भव प्रवाह सृष्टि लीला करते है। एक सरल अनुवाद तो ये हुआ, लेकिन यहाँ देखो एक और लीला पर, स्वसुखम उपगते स्व यादवे पांडवे, स्व मतलब अपने, तो कृष्ण के अपने कौन है, यादव लोग, वसुदेव देव की अक्रूर उद्धव, ये पूरा यादव कुल उसका अपना परिवार है, और पांडवे उसके प्रिय भक्त है, तो स्व मतलब यादवे पांडवे सह सुखम, और उनके संग में ये सुख लेते हैं, यादवों के साथ पांडवों के साथ परमानंद को कृष्ण प्राप्त होते, आनंद में तो रहते ही है, नित्य आनंद उसका स्वरूप है, लेकिन अपने प्रेमी पांडवों से मिलते हैं,
अपने प्रेमी यदुवंशियों से जब कृष्ण मिलते हैं तो वो आनंद परमानंद को प्राप्त हो जाता है। स्वसुखम उपगते, देखो ये लीला परक कि भगवान भगवान है तो ऐसे तो स्वरूप से तो उसको तत्व से तो किसी की वस्तु की व्यक्ति वस्तु की जरूरत नहीं, लेकिन जब वो लीला करते हैं कृष्ण लीला राम लीला तो फिर वो रघुवंशियों के साथ राम अवतार में या कृष्ण अवतार में यदुवंशियों के साथ अपने भक्तों के साथ स्व सुखम अपने स्व भक्तों के साथ सुखम आनंदम प्राप्त करते इति दिक्स्व लीला बिरानंद कुंडे स्वघोषम निमंजंतम आख्यापयंतम। सत्यव्रत मुनि का ये श्लोक वो भी आप समझ सकते हो इस भाव से। लेकिन वंशीधर जी इसको और एक क्लियर बात करते हुए कहते हैं भक्तों कि ये स्वरूप लक्षण वर्णन हो रहा है, लेकिन तटस्थ कोई भी वस्तु को स्वरूप और तटस्थ दो रूप से अन्वय व्यतिरिक्त दो रूप से समझना होता है। तो देखो यहाँ पर क्या वर्णन है, क्वचित विहरतु क्रीडतु प्रकृतिम योग माया उपासितम। योग माया अपनी स्वरूप शक्ति के साथ भी भगवान लीला करते हैं योग माया से, और बहिरंगा शक्ति से भी जगत की लीला करते हैं। तो ये पूरा ब्रह्मांड बहिरंगा शक्ति से कंट्रोल किए चला रहे, और इसी बहिरंगा शक्ति जगत में भगवान स्वरूप शक्ति के साथ योग माया के साथ आकर वृंदावन में भी और परिकरों के साथ भी लीला करते हैं। टू इन वन चल रहा है ना कार्यक्रम ठाकुर जी का। इसलिए क्या समझना है, मिस्टिक नहीं करना है हम भक्तों को, तत्व को सिद्धांत ना कर आलस है ना, सिद्धांत सुन समझ लेना चाहिए। क्या आचार्य समझाते हैं कि न तो स्वरूप तिरोधाने न जीववत पारतंत्र इति अर्थ, अर्थात भगवान स्वरूप भव प्रवाह करते तो सृष्टि में विहरतु विहार करते मतलब पुरुषा अवतार लेते हैं कारणोदय गर्भोदय, तो फिर भी कृष्ण विष्णु बनने के बाद कारण समुद्र में और गर्भोदय बनने फिर भी नित्य वृंदावन में कृष्ण स्वरूप में है। जीव की तरह कृष्ण परतंत्र नहीं है, न तो जीववत पारतंत्रम इति, न तो स्वरूप तिरोधाने न, भगवान अपना स्वरूप तिरोधान किए बिना उस स्वरूप में वहां रहते हुए भी इस ब्रह्मांड में अन्य स्वरूप ले सकते हैं। अरे भाई रासलीला में करोड़ों कृष्ण हो गए, शादी के समय 16108 हो गए, अपना प्राभव प्रकाश विलास प्रकाश प्रभु जब चाहे तब प्रकट कर सकते, जीव ये नहीं कर सकता। हम लोग तो जीववत पारतंत्र नहीं है, मतलब ये नहीं समझिए कि कृष्ण प्रकृति का संग लेकर भव प्रवाह करे तो उसकी उसका धाम या उनका स्वरूप तिरोधान हो गया, नहीं वो वहां रहता है नित्य धाम, नित्य धाम में भी प्रभु प्रकट होते फिर भी इस धाम में प्रकट होकर अवतार लेकर लीलाएं करते रहते हैं, ये कृष्ण का ऐश्वर्य है। ओके तो यहाँ पर और लंबा आपका दिमाग नहीं खाना हम भक्तों को, लेकिन आज ये स्तुति की चर्चा ही थोड़ी हमने तात्विक बना दी है, इसलिए जो भागवत के शब्दों का अर्थ आस्वादन करना चाहता है उनके लिए अच्छा रहेगा, बाकी लोगों को तो नींद आता होगा, जो करे जिसकी जो स्थिति क्या करे। तो इसके लिए फिर गीता आप कोट कर सकते हो, अहम बीज प्रदप पिता तस्मिन योनि अहम गर्भम, है ना 13वां अध्याय का पहला दूसरा तीसरा श्लोक आप देख लेना, मद योनि महद ब्रह्मम तस्मिन गर्भम दधाम्यहम। ये जो प्रकृति में उपेयुषी शब्द है जो लास्ट वाला, तो भगवान प्रकृति में अपना बीजाधान करते हैं और फिर प्रकृति सृष्टि करती है, तो इस बात को गीता में भी भगवान ने कहा है कि अहम बीज प्रदप पिता मम योनि महत ब्रह्म तस्मिन गर्भम दधामी अहम। बहुत सुंदर बात वहां पर 13वें अध्याय में गीता जी में इसी को भगवान ने कहा है। तो यहाँ पर क्वचित मतलब क्या, क्वचित मतलब कभी कभी विहार करने की इच्छा करते हैं, कभी कभी मतलब तो क्वचित शब्द का अर्थ विजय ध्वज लिखते हैं सृष्टि काल, जब सृष्टि का शुभारंभ करना होता है सृष्टि लीला करनी, तो विहरतु मतलब नाना अवतारे विहरतु, अलग अलग अवतार लेकर भगवान विहार करते हैं। कथम प्रथम अवतारम पुरुषादय कारणोदय गर्भोदय आदि अवतार लेकर सृष्टि काल समय में क्वचित विहरतु भगवान विहार करते रहते हैं। और ये तो इमानी भूतानी जायन्ते जीवानी, फिर इसको उपनिषद कोट करते हुए कहते हैं कि इसी तरह उपनिषदों में लिखा है कि वही परमात्मा से आत्मा के अंश का विस्तार होता रहता है। लेकिन मैं लास्ट में इस श्लोक में आप भक्तों को एक और बात बताना चाहूंगा जो गिरधर ने बताई है, बड़ी सरल और सुंदर हमको बड़ी पसंद है। वो क्या अर्थ करते हैं, स्वसुखम उपगते क्वचित विहरतु प्रकृति मुपेयुषी यद भव प्रवाह। तो इसका अर्थ ये आचार्य करते क्वचित कभी कभी वृंदावनादिशु, वृंदावन में
विहरतु, वन क्रीड़ायाम विहरतु। अब देखो ये वृंदावन लीला अर्थ कर रहे हैं, और स्वसुप उपगते मतलब स्व अपनी निज शक्ति, प्रकृति मतलब कौन सी प्रकृति, योग माया। वृंदावन में तो प्रकृति मतलब बहिरंगा अर्थ नहीं होगा, तो क्वचित मतलब यही कृष्ण जो भीष्म कह रहे कि मेरे सामने अभी खड़े है, ये कृष्ण क्वचित वृंदावन आदिशु प्रकृति मुपेयुषि योग माया प्रकृति आश्रय, जो रासलीला है ना योग माया उपाश्रित, देखो कवि कहां से कहां लीला को ले जाते हैं आचार्य लोग। वो कहते हैं कि परमानंद स्वरूपेन तरहि कथम अस्मादि तुल्यतया प्रतीयते। देखो कृष्ण वृंदावन में जब लीला करते हैं तो गैया चराते यमुना तट पर, सखाओं के साथ खेलते हैं, गोपियों के साथ रास खेलते हैं, तो लगता है कि सामान्य अस्मत तुल्यम मनुष्यवत लीला करते हैं, क्रीड़ा करते हैं। लेकिन तत्व से आप समझना चाहिए हम भक्तों को कि वो मनुष्यवत नर बपु तहार लीला करते, लेकिन वो सामान्य मनुष्य है नहीं, वो सृष्टि के आदि सृष्टा है, अनादि आदि गोविंदम है। लेकिन वो जब लीला करते अपने परिकरों के साथ तब तो एकदम सामान्य क्रीड़तु, सखाओं के साथ खेलते है भगवान, गैया चरती रहती है और मधुमंगल के साथ भगवान की गेम चलती रहती है। तो क्रीड़तु शब्द का अर्थ वृंदावन लीला का भी है कि वृंदावन में सखाओं के साथ साख्य रस में, माँ गोपियों के साथ माधुर्य रस में, और प्रकृति का अर्थ है योग माया प्रकृति मतलब स्वरूप शक्ति के आश्रय लेकर भव प्रवाह। भव प्रवाह का यहाँ अर्थ होगा सृष्टि का प्रकरण, लेकिन वृंदावन में भव प्रवाह का अर्थ होगा भगवान की अपने भक्तों के साथ साख्य माधुर्य आदि रस की लीलाओं का प्रवाह चलता रहता है। तो इस तरह इस श्लोक में इतिमति उपकल्पिता करके अपनी विशुद्ध मति समर्पित कर दी, भगवती सात्वत पुंगव कह के भगवान के साथ माधुर्यमय संबंध बता दिया, विभूमना कह के भगवान का ऐश्वर्य बता दिया, और स्वसुखम उपगते कह के भगवान का प्रभाव, भगवान का लीला, सृष्टि लीला चाहे वृंदावन लीला, सबका भीष्म देव ने संकेत कर दिया है। और इस पूरे श्लोक का एसेंस सार क्या है, तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अपने जीवन के अंत में इतना सत्संग, इतना शास्त्र ज्ञान सब ग्रहण करके पितामह लास्ट कंक्लूजन एसेंस सार दे रहे हैं कि मेरी समझ में मेरी बुद्धि से एकमात्र समर्पण करने योग्य ये पूर्ण पुरुषोत्तम पुरुष श्री कृष्ण है। उनकी भक्ति करना, उनको समर्पित करना, वासुदेव कृष्ण में समर्पण करना, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा दुर्लभ जो गीता में बोला गया है, उस बात को पितामह भीष्म सिक्का लगा रहे कि मेरी बुद्धि को अब मैं इससे परे, इससे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं इसको समर्पित करता हूँ मेरी शुद्ध बुद्धि को। इस तरह अनेक विद्वानों ने इस बात को माना है जिसको भीष्म ने माना है। जैसे मधुसूदन सरस्वती कहते हैं कृष्णा परम किमपि तत्व अहम न जाने, जैसे भीष्म कहते मैं परम पुरुष सात्वत पुंगव प्रकृति के आदि श्रेष्ठा स्व सुखम उपगते, ऐसे विभूमा श्री कृष्ण में अपनी मति समर्पित करता हूँ क्योंकि इनसे श्रेष्ठ इनसे बेस्ट कोई नहीं है। तो इस तरह पितामह भीष्म श्रुति स्तुति का प्रार्थना का शुभारंभ कर रहे हैं, और ऐसे कृष्ण ऐश्वर्य से तत्व से परिपूर्ण है। अगले श्लोक में, कल के श्लोक में कृष्ण का माधुर्य वर्णन होगा। जैसे यहाँ पर श्लोक की लिंक कड़ी क्या है, कड़ी यह है कि मानो क्या जाए कि आप अपनी मति को मतलब अपनी कन्या को मुझे विवाह कराना समर्पित करना चाहते हो तो भाई मैं कैसा हूं, तो कृष्ण त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरव रामबरम दधाने वपुर अलक कुला वृतानाब्जम विजय सखेर तिरस्तु मेन वद्या। तो ये दूसरे श्लोक का अर्थ आस्वादन हम कल करेंगे, लेकिन आज थोड़ा थोड़ा भक्तों का सर दर्द हुआ होगा, लेकिन मैं कोई बाहर की बात नहीं बताया, इन श्लोकों के शब्दों में जो हमारे आचार्यों ने लिखा है और गुरु महाराज से जो सुना है, जो जो बुद्धि ने पकड़ा है, वो आपको केवल तोते की तरह हमने बोला। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि ये श्लोक के शब्द आपकी समझ में आए और पितामह भीष्म के भगवान के प्रति जो भक्ति भाव है उसको आपका हृदय आस्वादन करे। मैं अपनी तुच्छ मति से ये तुच्छ प्रयास किया,
और कुछ त्रुटि हो तो आप भक्त लोग सुधार लेना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पितामह भीष्म देव की जय। थैंक यू, खूब खूब धन्यवाद प्रभु जी, बहुत मधुर कथा सुनाई, तत्व विचार और लीला विचार इसका सब समन्वय करके तो जो सुनना मिलता है तो बहुत आकर्षित है। तो मैं सब भक्तगण को निवेदन करता हूँ कि आपको कोई जिज्ञासा है तो प्रभु जी को अनम्यूट करके आपकी जिज्ञासा कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने ओ मधुसूदन वाचस्पति जी का जो श्लोक बताया ने अभी, कृष्णा ओ कृष्णा परम किमपि तत्र अहम न जानी, और तो जरा उसके बारे में थोड़ा बताइए ना प्रभु जी। बहुत सुंदर श्लोक है, और मधुसूदन सरस्वती पहले मायावाद में थे लेकिन वृंदावन आए तो परम वैष्णव बन गए। तो परम पूज्य महाराज इसके विषय में सुनाते, मैं वही बताऊंगा आप शॉर्ट में आप भक्तों को। पहले वो श्लोक बोलते हैं, वंशी विभूषित करानवनीर दाभा पीताम्बरा अरुण बिंब फलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जानी। तो ये भक्ति रसायन करके एक ग्रंथ लिखा है मधुसूदन सरस्वती महाराज। भगवत गीता पर भी उन्होंने टीका लिखी है और भागवत पर भी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, सब संस्कृत में है। उन ग्रंथों का हमने दर्शन किया है, कुछ पढ़ा भी है, समझ में तो इतना नहीं आया है लेकिन हमने थोड़ा देखा है। तो उसमें वो ऐसा महाराज जी ऐसा सुनाते हैं कि मधुसूदन सरस्वती काशी के बड़े प्रकांड विद्वान थे, वेदांत पर उसका प्रभुत्व था और संस्कृत में भी, और हजारों सन्यासियों के वो गुरु थे और शंकर अद्वैतवाद के वो लीडर थे। और वे आए वृंदावन, मधुसूदन सरस्वती जी, और वृंदावन आए तो अपने पांडित्य के प्रदर्शन से सभी को हराते रहते थे, मस्ती मजाक करते रहते थे और सबको फिर उसके पांडित्य के सामने झुकना पड़ता था। एक बार मधुसूदन सरस्वती बांके बिहारी के दर्शन करके बाहर निकल गए, और बाहर निकलते हुए एक संत से उनकी मुलाकात हो गई। वो संत का नाम तो महाराज नहीं बताया है लेकिन वो महाराज से जो मैं सुना वही बता रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर वो जो प्रेमी भक्त था बांके बिहारी का, वृंदावन का, उन्होंने देखा कि ये मधुसूदन महाराज प्रत्येक दिन सबको परेशान करते हैं, पांडित के दिखाते रहते हैं और वेद की उधर उधर व्याख्या करके अद्वैतवाद का स्थापना करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि वेद का सिद्धांत, ये शंकराचार्य का सिद्धांत है, सर्व खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, बराबर ना। ये शंकराचार्य का, ये वेद का एक प्रादेशिक वाक्य है लेकिन इन्होंने महावाक्य मान लिया अद्वैतवादियों, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये लिखा है उपनिषद में कि सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन उसके आगे भी बहुत कुछ लिखा है, पीछे भी बहुत कुछ लिखा है, लेकिन वह न समझते हुए सीधा बस सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है, इस तरह वो लोग बोलते रहते हैं। और सब कुछ ब्रह्म है तो ये सब नाम रूप सब मिथ्या है, उनका ये कॉन्सेप्ट है मतलब, तो यही व्याख्या करते रहते थे ये मधुसूदन जी। तो एक बार एक संत ने उसे पूछा कि सब कुछ ब्रह्म है ना, मधुसूदन जी ने कहा हाँ सब कुछ ब्रह्म है, मतलब आप भी ब्रह्म हो, बोले हाँ हम भी ब्रह्म है, बोले हाँ, और ये भाई बाजू में खड़ा वो भी ब्रह्म है, बोले हाँ सब कुछ ब्रह्म है सर्व के। तो फिर महाराज आप रोज किसी ना किसी को हराते हो, बोले हाँ पंडिताए है हराते है, और फिर उसकी हंसी मजाक करते हो, बोले हाँ करते हैं, तो मतलब आप भी ब्रह्म हो और जिसको हरा रहे वो भी ब्रह्म है, आपने ही कहा ना सब ब्रह्म है, तो फिर एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को हरा सकता है और एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म की मजाक कर सकता है, और मजाक कर रहा है वो ब्रह्म हंस रहा है और जिसकी मजाक हो रही वो ब्रह्म दुखी हो रहा है, सीन तो यही क्रिएट हो रहा है। तो उसको झटका लगा, तो इसने क्वेश्चन पूछा संत ने मधुसूदन से कि आप ऐसे कैसे ब्रह्म हो कि दूसरे ब्रह्म को हरा कर खुश हो रहे हो, ब्रह्म तो पहले से ही खुश होना चाहिए लेकिन आप तो दूसरे को हराते हो तब खुश होते हो ना, और उसको सामने वाले को भी ब्रह्म मान रहे हो तो वो ब्रह्म में होना चाहिए लेकिन वो ब्रह्म में दुखी होता है कि मैं हार गया। अब ये बात मधुसूदन को दिल में लग गई
कि बात तो भाई देखो मजाक इनकी हो गई कि ब्रह्म ब्रह्म को हरा कर एक ब्रह्म खुश हो रहा है, पर आपके अनुसार तो सब ब्रह्म है। तब उसने कहा महाराज ये सब नाटक बंद करिए, अब इनको झटका लगा और वो बांके बिहारी मंदिर में गए अंदर, कौन मधुसूदन सरस्वती, और भगवान बांके बिहारी के विग्रह मूर्ति का आकर्षण ऐसा लगा और फिर सारा वेद पांडित्य सब हवा उड़ गया। और भगवान कृष्ण क्योंकि नैष्ठिक थे, सन्यासी भी सच्चे पक्के थे, वेद के ज्ञान में भी बड़े प्रखर थे, एक थोड़ा सा जो ज्ञान का अभिमान झटका था वो निकल गया तो फिर प्रेम का पर्दा खुल गया था इनके लिए भगवान की कृपा से। इसमें दो कारण है महाराज कहते थे, एक वृंदावन भूमि का प्रभाव और दूसरा ब्रजवासियों से चर्चा का प्रभाव, और कृष्ण की कृपा बरस गई धाम और वैष्णव की कृपा से, और मधुसूदन महाराज को कृष्ण का दर्शन हो गया यमुना तट पे। और कैसा दर्शन था, जिसको मधुसूदन जी ने गाया वंशी विभूषित करा नवनीर दाबा, जिसके कर में हाथों में वंशी है और इन जिनका सौंदर्य स्वरूप कैसा है, पानी भरे हुए बादल के समान नील कलर का, और पूर्ण सुंदर चंद्रमा जैसा मुखारविंद है, और उस चंद्रमा जैसे मुखारविंद में चेरी होती ना जो लाल बिंब फल, ऐसे लाल लाल भगवान के पतले होठ है बिना लिपस्टिक के, एकदम नरम अधर होठ, ये मधुसूदन जी ने दिखा देखा साक्षात स्वरूप को। और क्या देखा, बोले पूर्णेंदु सुमरविंद नाभा, सब कुछ देखा, और इसने कहा कृष्णा, इस कृष्ण से परम तत्व और दूसरा कोई नहीं है, यही है सबसे सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और ऐसा साक्षात्कार भाव, फिर तो रोते रहते थे, जपते रहते थे भगवान का नाम। और जब काशी वापस गए ना तो हजारों शिष्य उनके देखे कि ये क्या कर रहे, ज्ञान की प्रखर मूर्ति अब नयनम गलत अश्रुधारिया हो गए, तो वो लोग मजाक करते थे गुरु जी नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, मथुरा गए इसका माथा घूम गया है। लेकिन मधुसूदन को पूछते थे कि आप तो इतना वेद पढ़े हो, इतना पांडित, आप बताओ सार क्या है, तब ये यही श्लोक कहते थे कृष्णा परम, कृष्ण से परम कोई तत्व या सार है मैं नहीं, दूसरा जाने तो जाने। जैसे अमेरिका में जब प्रभुपाद ने इस्कॉन चालू किया तो जब लोग ये तिलक देखते थे तो बोलते थे ना कि ये पेंट क्या किया, ये वुडन बीड क्या है, पागल हो गए क्या ये लोग, राइट। लेकिन हाँ पागल हो गए थे कृष्ण के प्रेम में, जिसने अपने स्वरूप को समझ लिया वो तो ये करता था। इसी तरह ये लोग मधुसूदन को बोलने लगे कि आप पागल हो गए, आपका भेजा फ्राई हो गया क्या, आप ये क्या बोल रहे हो, आप तो कहते थे सर्व खलु इदम ब्रह्म और अभी कह रहे हो कृष्णात परम किमपि तत्त्वम्। कहते थे आपको जो बोलना है बोलो, हमने साक्षात्कार किया है, झूठ नहीं बताएंगे, आपका मंगल चाहते हैं, इसलिए सत्य बता रहे हैं कि कृष्ण से परम श्रेष्ठ और कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तो इस तरह मधुसूदन जी का ये श्लोक वृंदावन में वैष्णव जगत में प्रख्यात हो गया, और मधुसूदन ने फिर कई लोगों को वैष्णव बना दिया, और जीवन के अंत तक गीता की वेद की भक्ति परक व्याख्या करते लग गए। तो ये शॉर्ट में जो मैंने महाराज से सुना था आप भक्तों को बताया। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छी तरह आपने बताया। हरे कृष्णा, ठीक है तो फिर दूसरा श्लोक त्रिभुवन कमन हम कल सुनेंगे स्तुति का, और आज जयदेव जी का हिस्ट्री आप पढ़िएगा, भक्तों से सुनिएगा, क्योंकि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव जी का आज तिरोभाव है, मुझे उनकी भी स्टोरी थोड़ी बतानी थी लेकिन ये श्लोक के शब्दों में उलझ गया तो समय नहीं रहा, लेकिन आप अन्य भक्तों से पढ़िए और जयदेव जी की कृपा को याद करिए। ओके, राधे श्याम, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।